इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी कभी अयोध्या के विधायक हुआ करते थे, लेकिन 29 साल पहले हुई एक कारिस्तानी की वजह से खब्बू तिवारी की विधायकी ही चली गई। खब्बू तिवारी अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक थे इसलिए क्योंकि अब उनकी सदस्यता ही रद्द हो गई है। विधायक की सदस्यता क्यों रद्द हुई, खब्बू तिवारी का इतिहास क्या है, क्षेत्र में उनकी पैठ कैसी है, आइए आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि इंद्र प्रताप तिवारी ने ऐसा कौन सा कांड किया था कि उनकी सदस्यता ही चली गई। मामला 1992 का है। विधायक खब्बू तिवारी ने साकेत महाविद्यालय में एडमिशन लिया था। उस वक्त के प्रिंसिपल ने खब्बू तिवारी पर फर्जी मार्कशीट से एडमिशन लेने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। खब्बू तिवारी उन दिनों महाविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री हुआ करते थे। 18 अक्टूबर 2021 को MPMLA कोर्ट ने इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को मार्कशीट मामले में दोषी पाया और 5 साल की सजा भी सुना दी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर किसी विधायक या सांसद को 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। 7 दिसंबर 2021 को यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने आधिकारिक तौर पर खब्बू तिवारी की सदस्यता रद्द कर दी थी। खब्बू तिवारी 8वें ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई है। मौजूदा वक्त में यूपी विधानसभा में 8 सीटें खाली हैं। इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की छवि बाहुबली नेता के तौर पर है। खब्बू तिवारी पर हत्या और लूटपाट के भी मुकदमे दर्ज हैं। विधायक की पहले भी कई बार गिरफ्तारी हो चुकी है। अपने क्षेत्र में इनका अच्छा खासा दबदबा भी है। 2017 विधानसभा चुनाव में खब्बू तिवारी ने 12,000 वोट से जीत प्राप्त की थी। अधिकारियों के दिमाग में ये है। 2016 में खब्बू तिवारी बीजेपी में आए थे। उस वक्त अमित शाह ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। बीजेपी में आने से पहले वो BSP और समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन हर बार पराजय ही उनके हाथ लगी। विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान खब्बू तिवारी ने कसम खाई थी कि अगर वो चुनाव नहीं जीते तो शादी नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी के टिकट से वो चुनाव जीत गए और उसके बाद शादी भी की। खब्बू तिवारी की शादी में बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों के नेता भी शामिल हुए थे। खब्बू तिवारी के रिसेप्शन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर महेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हुए थे।